आज आप देखिए हमारी मसला क्या बन गया, कारी साहब मसला है जी। बहुत बड़े मसले हैं कारी साहब, यानी दुनिया का सबसे बड़ा मसला कारी साहब है। कारी साहब लोगों की लाइनों में पानी नहीं आ रहा, लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं, कारी साहब ने करे। कराची से सिंध वालों को गंदम नहीं मिल रही, गंदम चोरी हो गई, कारी साहब ने किए। इसी तरह मसला ये है कि लोगों को दवा नहीं मिल रही है, दवाएं महंगी होती चली जा रही है, मसला कारी साहब है। लोग भूखे मर रहे हैं, कारी साहब। लोगों को उनके बुनियादी हकूक नहीं मिल रहा है। तमाम दुनिया को जो जिम्मेदारी उठाया है वो कारी साहब ने उठाया, सारी कारी साहब ने उठाई हुई है। और जितने भी मसाइल पैदा होते हैं वो कारी साहब की वजह से पैदा होते हैं। तो सब मसला ये है जो कारी साहब को टारगेट कर रहे हैं, इनसे पूछे कि आप तो किसी पादरी साहब के पीछे फिर चलते होंगे। अगर कारी साहब करप्ट है, जो करप्ट है वो गलत है, लेकिन कभी पादरी साहब के लिए भी तो निकले हैं, इसी तरह कभी किसी पंडित साहब के लिए भी तो निकले हैं। मसला ये ना, कारी साहब को निशाना बना रहे हैं, लेकिन कारी साहब ने जनाजा पढ़ाना है। कारी साहब ने कुरान पाक पढ़ाना है, कारी साहब का काम क्या है? कारी साहब मुफ्ती साहब कुरान पढ़ाना, बच्चे को दीन की तरफ लेकर आना, मतलब दीन बेजार लोग हैं ना। हाँ मसला ये, इस्लाम को तो बुरा कह नहीं सकते, कानून जो है मौजूद है, मसला तो सबसे FIR कड़ी आएगी तो बस क्या करो, फिर दीन के नुमाइंदों को बुरा कहो। तो हम तो डायरेक्ट कह रहे हैं सब पादरी बुरे नहीं है, सब पंडित बुरे नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जो करप्ट है। आप इनके खिलाफ कब निकलोगे, इनसे कब अपने हुकूक मांगोगे, कब इनसे आज़ादी मांगोगे? इनको तो आप सेव कर रहे हो, बल्कि इनकी तारीफें कर रहे हो, बल्कि इनकी वर्कशॉप्स में जाकर बैठते हो और इनसे तालीमात हासिल कर रहे होते हो। अल्लाह ताला समझाता फरमा।